आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक का पार्ट है आपका ये, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ठीक, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ हमने प्रॉब्लम रखा है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को लास्ट में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, फिर डाला जाए इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट में आपका शो करता है एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और एक शो करता है माइनस आई इफेक्ट। ये प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का बेनिफिट है क्या। तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप यह पता करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर दो कंपाउंड्स अगर आपको दिए हुए हों और उसमें देखना हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो उसमें पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। दूसरा, अगर दो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का है और तो उसमें हम लोग देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिड शो कर रहा है, एसिडिक शो कर रहा है, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो दो बेनिफिट्स हैं इसका, कौन कौन से। तो एक तो है भाई स्टेबिलिटी दिखाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन, कार्बो केटायन, कार्बन पर प्लस रहता है उसको बोलते हैं कार्बो केटायन। केटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी दिखाएगा किसका, कार्बो केटायन का, किसके द्वारा हम लोग देखेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कि दो कंपाउंड्स अगर दिए हुए हों तो हमें पता करना है कौन ज़्यादा एसिडिक शो करेगा, तो किससे पता चलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई और माइनस आई से। ठीक, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन हमको पता करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, यही है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब लोग सुन रखा होगा कि है क्या, तो सबसे पहले हल्का फुल्का जिक्र कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो आपको इधर मिलेगा आपको हाइड्रोजन और इधर मिलता है आपको हीलियम, है ना। तो इधर जो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है ना। इधर पे होता है लिथियम, फिर उसके नीचे क्या, सोडियम, थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ यार। ठीक, फिर उसके बाद नीचे क्या मिलता है, पोटासियम, यहाँ क्या होता है, कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम मिलता है, अल्मोनियम, फिर सिलिकॉन, इधर कार्बन, लिथियम तीन, चार क्या होता है, बेरिलियम पाँच, ब्रोन, फिर छः कार्बन, सात नाइट्रोजन, आठ होता है आपका ऑक्सीजन, और नौ होता है आपका फ्लोरीन, फिर क्या होता है, नियोन, 10। ठीक, सिलिकॉन हो गया 14, 15 क्या, फास्फोरस, फिर 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 क्या होता है आपका, आर्गन। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो सीरीज होता है या फिर पीरियोडिक टेबल में बनाया होता है क्या, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, सॉरी इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है किधर, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो ज़्यादा होना से क्या होगा कि उसको पास पावर है, किस चीज़ का पावर है, कि वो इलेक्ट्रॉन किसी से खींच सकता है। ठीक है, आपको एनर्जी दे दें हम बहुत सारा तो क्या कर सकते हो, आप किसी भी लड़ सकते हो। वही बात है कि अगर फोलरीन क्या है, इधर क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो फोलरीन का क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा अगर है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, फोलरीन क्या कर लेगा, इसे इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेगा, घींच लेगा, मतलब इसके पास पावर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन हम घींच सकते हैं, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वो घींच सकते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, जनरली इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, और डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, क्लियर। अब हम आपसे पूछे कार्बन और सिलिकन है, तो कार्बन और सिलिकन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा,
तो कार्बन का, क्योंकि क्या होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉनिविटी डिक्रीज करता है, तो कार्बन का तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर सिलिकन है, तो सिलिकन का कम होगा कार्बन का ज़्यादा होगा। अगर कार्बन और सिलिकन से कंबाइन करता है, अगर बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन सिलिकन से ही क्या करेगा इलेक्ट्रॉन घींचेगा, ठीक है। अगर एक कार्बन और फ्लोरीन या कार्बन और क्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो क्या करेगा फ्लोरीन ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन घींचेगा और क्लोरीन ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन घींचेगा, ठीक है। तो बेसिक से बात था आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, तो इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या बेसिकली। तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं लूँ तो क्लोरीन के पास क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर क्या है लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाएँ तो क्लोरीन आपको लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में, तो एक क्लोरीन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा पार्शली निगेटिव आ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पावर है किस चीज़ का इलेक्ट्रोनिगेटिव का पावर है कि हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन घिस सकते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आपका क्या कर लिया हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन घिस लिया, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलेंगे माइनस आई इस पर, तो इसे हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया दे दिया, तो माइनस आई इफेक्ट में हम लोग देखेंगे विड्रॉ कर दिया, विड्रॉइंग विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया घींच लिया, ठीक है। और ये इसको क्या कर दिया डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया तो इसमें बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कि अगर कोई अगर डोनेट कर दे तो प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या करे डोनेट कर दे, क्लियर इतनी सी बात। कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे खींचे, एक क्लोरीन क्या किया इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर क्या आ गया निगेटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइनस आई इफेक्ट, ऐसे याद रखना। और अगर इस पे प्लस है तो क्या किया इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, तो ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स की ओर चलते हैं कि सी 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 क्लोरीन कार्बन 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 क्लोरीन लगा हुआ है और एक और है कार्बन 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 सिलिकन लगा दिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन प्लस आई करेगा कौन माइनस आई करेगा, समझ में आएगा अभी प्लस आई क्या है माइनस आई क्या है। अभी पहले प्लस आई माइनस आई करें, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है क्या करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या करेगा घींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन घींचेगा, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा आपका पार्शली निगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, तो ये कार्बन तो इससे भी कनेक्ट है इससे भी कनेक्ट है, तो ये भी क्या करेगा कार्बन को मदद करेगा, भाई तू इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो हम भी तो कुछ देबो है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव और आ जाएगा, इस पे और आ जाएगा थोड़ा सा और, क्योंकि क्या है बहुत दूर है क्लोरीन से, तो क्लोरीन को इतना मिलकर देगा ये ज़्यादा देगा क्योंकि बगल में है, थोड़ा सा और देगा ये थोड़ा सा और कम देगा, ठीक है, क्लियर है। तो ए हो गया आपका क्या शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन क्या कर दिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच दिया है, तो ये शो क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी बस इतना ही देखो माइनस आई इफेक्ट किसे बोल रहे हैं और प्लस आई इफेक्ट किसे बोल रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक करेंगे एसिडिक और स्टेबिलिटी बोला, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकन अब देखिए कि यहाँ पर ग्रुप में क्या है सिलिकन का है नीचे है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा कार्बन का होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कमता है, तो सिलिकन कम है और कार्बन का क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन जो है सिलिकन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा इस पर तो इस पर आ जाएगा पार्शली निगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जब इस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन था ये देखिए कार्बन से क्या था आपका क्लोरीन अटैच था, तो क्लोरीन क्या किया ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था तो इलेक्ट्रॉन घींच लिया किससे कार्बन से, तो यहाँ पर हुआ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि कार्बन से ही क्या था ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला था। अब यह कार्बन से यहाँ कम है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाई डोनेट कर दिया इसको, तो इसको लोग बोलते हैं डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया घींच लिया, तो ये हो गया आपका विड्रॉइंग है ना, तो हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट, क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर और आगे चलते हैं। अब मान लिया जाए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग किसी का एसिडिक नेचर लेते हैं, अभी समझ में आएगा प्लस आई क्या था माइनस आई क्या था अभी समझ में आएगा। एसिडिक नेचर लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक क्या स्पेलिंग आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं मान लिया जाए इधर CH3 है फिर COOH है, ठीक, फिर इधर लिए CCl3COOH CCl3COOH। अब पूछा गया क्वेश्चन में
कि इसमें इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, सॉरी स्टेबल नहीं, कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक कौन होगा, अभी मैंने बताया प्लस आई माइनस आई, अभी देख लो जरा इक्वलरीन जो है क्या करेगा, इसी डबल ओएच है ना, तो ऑक्सीजन तो पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये छीनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो क्लोरीनवा क्या करेगा कि भाई हम ही पीछे है ना, तो हम ही तो क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनवा खींचेगा, ठीक है। तो खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉनवा खींचेगा क्लोरीनवा, तीन तीन को क्लोरीन लगा जाए, तीनों मिलकर क्या करेगा, खींचेगा है ना। तो यहाँ पर जितना ज्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजनवा से मांगेगा लावरे है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनवा इधर को खिंचाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इजिली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस देगा और फिर हो जाएगा सॉल्यूशन में बाहर आ जाएगा, मतलब ही H प्लस बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली क्या है, CH3 है, यहाँ पर यार CH3 क्या करेगा, और ये दे देगा, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो यार ऑक्सीजन के देगा कि ले हो तो ले, हम ही हो CH3, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा ना ही हो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 जो है क्या करेगा, और इसको दे देगा, तो इजली देगा ई एच प्लस नहीं, समझ में आया बात। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहाँ जल्दी घींच रहा है कि लाओ लाओ लाओ, तो यहाँ पर एच प्लस क्या कर देगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एच प्लस आएगा नहीं आएगा, मतलब कि कौन ज़्यादा इसमें इसमें एसिडिक होगा। तो अगर मान लीजिए ए दे दिए, बी दे दिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोर एसिडिक, तो कौन हो जाएगा, बी इज मोर एसिडिक देन कौन, ए, ठीक है, ए हो गया आपका एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, CCC COOH, यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, फिर एक CCC PCOOH, और मैंने एक लगा दिया यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, एक और इधर लगाया था डायग्राम, दिख रहा है CCC COOH, इधर लगा दिया मैंने क्लोरीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब पूछा गया कि कौन ज़्यादा इसमें एसिडिक शो करेगा, मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ए बी सी। तो देखा जाए इसमें, देखिए कि यहाँ पर जो कार्बन है COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बाद यहाँ पर जो है कार्बन है, यहाँ से लिंकअप है क्या आपका, क्लोरीन लिंकअप है, ठीक है, ठीक। या फिर यहाँ पर ले लें हम लोग फ्लोरीन, ले लें क्लोरीन, ले लें चाहे फ्लोरीन ले लें, यहाँ फ्लोरीन ले लो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर लिंकअप 1, 2, 3 के बाद है, यहाँ पर देखो 1, 2 के बाद है, यहाँ देखा जाए 1, 2, 3, 4 के बाद कनेक्ट है, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, फ्लोरीन जो है क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनवा मारेगा इधर से, खींचेगा ना, तो जल्दी कौन खींचेगा, क्योंकि ये जल्दी में देखो क्लोरीन एक पे है, फिर दूसरे पे क्या अटैच है, फ्लोरीन है, तो यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, लगले है ना, 1, 2 के बाद है, ठीक है। तो कहेगा कि लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनवा मारेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच प्लस निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉनवा ऑक्सीजन किसे मारेगा, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन क्या करेगा, किसको पास करेगा, फ्लोरीन को, तो यहाँ पर एच प्लस क्या हो जाएगा, इजली निकलेगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो कार्बन है उसके बाद तुरंत है, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन है, COOH है, कार्बोक्सिलिक है, 1, 2, 3 के बाद 3 पर लगा हुआ है, यहाँ देखा जाए 1, 2, 3, 4 के बाद लगा हुआ है, मतलब ये जल्दी पास में है, तो जल्दी खींचेगा, जल्दी मांगेगा, उसके बाद कौन मांगेगा, ई मांगेगा, उसके बाद ई मांगेगा, तो सबसे पहले किस पास आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब एच प्लस जल्दी निकलेगा, मतलब बी इज मोर एसिडिक देन किससे, सी से, फिर उसके बाद किससे, ए से, समझ में आया क्या, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर समझ में आया, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बी का होगा, उसके बाद फिर होगा सी का, फिर उसके बाद ए का, क्यों, क्योंकि सबसे जल्दी अटैच है क्लोरीनवा फ्लोरीनवा, है ना, फ्लोरीन है दोनों में से कोई एक लो, फ्लोरीन अगर इससे क्या है, जल्दी अटैच है, तो फ्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, ज़्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनवा मारेगा, इलेक्ट्रॉन मारेगा तो ऑक्सीजनवा क्या करेगा, इससे मारेगा, तो ये क्या करेगा, एच प्लस इजली निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ भी एच प्लस निकल जाएगा, तो जो एच प्लस देता है वो क्या कहलाता है, एसिड। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बी का एसिड हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर क्लियर है, ठीक। अब थोड़ा हम लोग आते हैं एस्टेबिलिटी पर, एसिडिक नेचर हो गया, थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं किस पर, एस्टेबिलिटी पर, एस्टेबिलिटी, ठीक। अब एस्टेबिलिटी मान लिया जाए, क्वेश्चन है CH3CO- इधर आ गया H, ये हो गया A,
CH3CHO-, इधर लिख दें CH3, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आ गया CH3CH3, इधर भी CH3, इधर भी, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, अब इसमें बताया जाए कि कौन ज़्यादा एस्टेरिटी शो करेगा। ठीक है, अब देखा जाए कि यह CH3 C से अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है आपका, माइनस है। तो आपसे अगर पूछें कि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है कि O पर प्लस ज़्यादा स्टेबल है, अभी भाई को चार्ज रख ले है, ये अकेले घूम रहा है मस्त, तो स्टेबल कौन होगा, ई होगा स्टेबल, ई ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि एक चार्ज ले माथा पे, समझ में आया बात। उसी तरह यहाँ पर निगेटिव है, एक तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन लिए हुए, लोड लिए हुए, ये भी इलेक्ट्रॉन लिए हुए, इलेक्ट्रॉन ये भी लिए हुए, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, और क्या कर रहा है, CH3 क्या करेगा, और इसको इलेक्ट्रॉनवा देगा, ले भाई तू, एक तो पेट भरा ले, ऊपर से आओ इलेक्ट्रॉनवा उसको दे रहा है, CH3 है ये भी दे रहा है, CH3 इधर भी दे रहा है, यहाँ तो अकेले दे रहा था, यहाँ दो दो को मिल के दे रहा है, समझ रहे बात। अगर अगर यहाँ पर प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता, तब CH3 देता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है मतलब क्या, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, हम उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके लिए अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले से बैठल है, और हम उसको आओ देते जा रहे हैं, पेट भरल है, ऊपर से आओ दे रहे हैं, हम समझ रहे हो बात। तो पेट भरा हुआ ऊपर से दे रहे हैं, तभी एक के को ना दे रहे हैं, CH3 ने दे रहे हैं खाली, ठीक। लेकिन यहाँ दुदू को मिलकर उसको खियाए में लगल है, CH3 एगो और CH3 है, दुदू को ऑक्सीजन पर दे रहा है, तू ले, दू गो है, दुदू को मुंह में ठूस रहा है, ठीक है। यहाँ देख CH3 CH3 CH3, तीन तीन को मिल के अब कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यहाँ पर तीन को मिलकर ऑक्सीजन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर दो को मिलकर दे रहा है, यहाँ पर एगो दे रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो, पॉजिटिव अगर होता तो क्या होता, अच्छी बात थी ना कि एक को दे रहा है, यहाँ पर दो को दे रहा था और अच्छी बात है, जल्दी इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, यहाँ पर तीन को देता तो और अच्छी बात है। लेकिन इसका उल्टा है भाई, यहाँ पर निगेटिव दे दिया है, ठीक है। तो निगेटिव अगर दिया हुआ है तो अगर यहाँ पर एक को दे रहा है CH3 है ना, यहाँ पर दो दो को मिल के दे रहा है, यहाँ पर तीन तीन को मिल के दे रहा है इसको, निगेटिव को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे खराब किसका चला जाएगा, इसका चला जाएगा, मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सबसे खराब में जाएगा, है ना। तो एस्टेबिलिटी किसका होगा, ज़्यादा ए का होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एस्टेबिलिटी कौन सो करेगा, ए, क्यों, क्योंकि एक के को ना मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ तीन तीन को मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन आओ देते जा रहा है, समझ रहे बात, ठीक है। तो तीन तीन को मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन आओ दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, लेकिन जबरदस्ती क्या कर रहा है, दे रहा है, तो दिक्कत है ना, ठीक है। तो आपका ए होगा, उसके बाद क्या होगा, बी होगा, उसके बाद क्या होगा, सी होगा, एक केस क्या ऑर्डर हो गया, एस्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ ही प्लस रहता है, यहाँ भी क्या होता, प्लस रहता, ठीक है। अगर ये प्लस रहता तब क्या होता, यहाँ पॉजिटिव तो है, यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, तो जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पूरा कर रहा है, यहाँ भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ जल्दी करते, अभी उल्टा होता, सी ज़्यादा होता, फिर बी होता, फिर ए होता, समझ गए ना, क्लियर है ना, ठीक है। ये हो गया स्टेबिलिटी का कहानी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन नॉर्मल सा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि जो यहाँ कार्बन था और एक क्लोरीन था, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस तो हो गया था, ठीक है, कि क्लोरीन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिविटी, यहाँ पर कार्बन है तो कम है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ घींच लिया। लेकिन लेकिन अब मान लिया जाए कि तुमसे हम बोलें कि एक ई है, और यहाँ पर हम जोड़ दिए सी ट्रिपल बॉन्ड और सी एच जोड़ दिए, और इधर हम थोड़ा डबल बॉन्ड बेंजीन जोड़ दिए। अब हम तुमसे पूछें कि ई जो कार्बन है, यहाँ कार्बन है, अब यहाँ पर कार्बन है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ खींचेगा ई दोनों में, समझ में आया क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या किया, हाइड्रोजन से घींच लिया था, क्लोरीन वहाँ क्या किया, हाइड्रोजन से खींचा ना, ठीक है। उसी तरह से अब देखो, यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन था, अलग अलग एलिमेंट था, लेकिन यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तब तुम कैसे करोगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या किए थे कि यहाँ पर माइनस लॉ केवल दिए थे कि माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर प्लस था तो प्लस आई इफेक्ट बोल दिए थे। लेकिन अब जो है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, अब कैसे करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करने के लिए, हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है।
तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने कैसे, इस कार्बन को देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एगो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी तो पाई होता है, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, एगो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, कितने सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन कैसा शो कर रहा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक, अब एक कार्बन कैसा शो कर रहा है, एक दो तीन, मतलब एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। अब देखिए एस का जो होता है ऑर्बिटल ऐसा होता है, पी होता है आपका ऐसे, ठीक है। तो एसपी जो होगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कार्बन पर ज्यादा होगा, तो कार्बन का डेंसिटी अगर ज्यादा होगा, एसपी है अगर ए तो इस पर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह है, तो जब इसको खींचने में ज्यादा सहूलियत होगा, समझ रहे बात। तो सी क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक और खींचेगा, ठीक है, क्योंकि एक कैसा ग्रुप है, एक कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, एक जगह है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पाएगा, मतलब इस पे आ जाएगा पार्शली निगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे कि कैसा शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और नीचे वाले को बोलेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट माइनस इफेक्ट से क्या देखें हम लोग, कि अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इससे खींच रहा था ना, तो खींच रहा था, तो क्या क्या शो कर रहा था यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट। तो जब अगर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या हो गया, वो मोर एसिडिक हो रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ दे रहा है, तो ये हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये कम एसिडिक हुआ, समझ में आया, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग हुआ इधर जो है वो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर चार डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसके बेसिस पर हम लोग लिखते हैं क्या, कि एसपी का जो होता है ज़्यादा, फिर उसके बाद होता है एसपी टू का, फिर होता है आपका एसपी थ्री का। अगर कहीं पर एसपी दिखे, एसपी टू देखे, तो एसपी क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। एक क्या चीज़ का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि अगर एसपी है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, एसपी टू है तो उससे कम, फिर एसपी थ्री है तो उससे कम। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर, ठीक है। कार्बन कार्बन का अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए वही अगर ऐसे रहे, फिर यहाँ पर अगर आपका रहेगा CH3, ठीक है, तब एक कार्बन और इस कार्बन में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि यहाँ पर CH3 है तो तीन बॉन्ड बनेगा, एच इधर इधर तीन बॉन्ड बनेगा, एक इधर है, तो एक कार्बन जो है आपका SP3 शो करेगा, लेकिन एक कार्बन जो है एक दो तीन, मतलब ये जो होगा आपका SP2 शो करेगा, ठीक। तो अगर ये SP2 शो करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा नीचे वाला का। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस पे आ जाएगा अपनी पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। देखिए कार्बन कार्बन में बता रहे हैं आपको कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या हो गया आपका शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, और जो ऊपर वाला है वो शो करेगा अवर प्लस आई इफेक्ट, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो हमने जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते क्या क्या पढ़े, तो हम लोग देखें एसिडिक नेचर कौन ज़्यादा शो करेगा, तो एसिडिक नेचर वह शो करेगा, एसिड कौन ज़्यादा होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ तेजी से खींचेगा तो H प्लस जल्दी से छोड़ देगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन वहाँ दे रहा है तो ये छोड़ के जाएगा कोची ऑक्सीजन वहाँ, है ना, ऑक्सीजन के पास क्या कर रहा है, ये और दे रहा है तो इसे कोची में आएगा, है ना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो गया, तो ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक ठीक। अब लेकिन मान लिया जाए एक और क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक कंपाउंड आपका ऐसा है, इससे हम जोड़ लिए आपका, चाहे देखिए इधर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसके ही क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं, इधर क्लियर हो गया, उधर छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए यहाँ पर पूछा है विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबल देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या करेगा, खींचेगा, मतलब इस पर निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो मतलब ज़्यादा खींचेगा, ये कम है तो इससे कम खींचेगा, ये और कम है तो ये इससे और कम खींचेगा, क्योंकि सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव की सबसे कम किसका हुआ, ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का हुआ, जिसको जो निगेटिव चार्ज होगा सबसे कम किसका करे, कौन करेगा, फ्लोरीन सबसे कम कर देगा इसको, उसके बाद कौन करेगा, क्लोरीन, उसके बाद कौन करेगा, ब्रोमीन, समझ के बाद। तो अब आपसे पूछे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि ओ है आई ओ प्लस है तो ज़्यादा स्टेबल कौन, ऑक्सीजन, ये आपका कम स्टेबल, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन देन थर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर एसिडिक, तो अब इसमें और इसमें सेकेंड और फोर्थ में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है अकेले क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है, घींच रहा है, ठीक। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दुदू को लगल है, साला दुदू को लगल है इसको इलेक्ट्रॉन वहाँ घींचे में, इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ घींचे में दुदू को लगा हुआ है, नाइट्रोजन वो और ऑक्सीजन वो, ठीक है। तो दो को मिलके घिस रहा है, यहाँ पर अकेले घिस रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घिंचेगा, यहाँ पर घिंचेगा, यहाँ पर कम घिंचेगा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घिंचेगा ऑक्सीजन वहाँ से कहेगा जल्दी लाओ रे, है ना, किसे मारेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से मारेगा इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन कम से मारेगा, ये आपका ओ टू एन है, एनओ टू है, ठीक है। तो एनओ टू है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ खींचेगा, जल्दी मारेगा, तेजी से, ज़्यादा तेज से मारेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तेजी से हाइड्रोजन से मारेगा, हाइड्रोजन जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन क्या दे देगा आपको, एनओ टू को दे देगा, समझ में आया बात। तो यहाँ एच प्लस इजिली दे देगा, मतलब कि फोर का स्टेबिलिटी, सॉरी फोर का एसिडिक ज़्यादा होगा किससे, टू से, फोर नंबर है, टू नंबर था, तो फोर का क्या हो जाएगा, एसिडिक ज़्यादा दिखाएगा किससे, सेकेंड से, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये ज़्यादा एसिड होगा किससे, टू से, एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोर एसिड, ऊपर नीचे से में, फाइव सिक्स सेवन में, मतलब कि इसमें 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 कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखा जाए यहाँ पर, देखिए सिडोल ओएच है, सिडोल ओएच है, सिडोल ओएच है, तीनों में फ़र्क क्या है, इसमें एगो सी एस थ्री लगा हुआ है, इसमें एनओ टू लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि एनओ टू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनवा क्या करेगा, घींचेगा, सी एस थ्री क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पर तो कुछ ना देने वाला है ना लेने वाला है ना। तो यहाँ पर जो एनओ टू है कौन, एनओ टू, तो एनओ टू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनवा घींचेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन घींचेगा इसको तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से मारेगा, भाई हाइड्रोजन वहाँ दे हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ इसे मारेगा, इस पर नेगेटिव, अब ये जाएगा कहाँ, नीचे की ओर, ठीक है। तो इजिली कहाँ पर आ जाएगा, एच प्लस, एच प्लस आपका सेवन में आएगा, उसके बाद ये सी एस थ्री क्या करेगा, और दे रहा है ऊपर ही के ले हो तू, यहाँ पर ना देने वाला ना लेने वाला है, ये एक्स्ट्रा और दे रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सेवन का, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, फाइव का, उसके बाद हो जाएगा सिक्स का, सिक्स का पीछे क्यों, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन ये और दे रहा है, तो इसको लेने में आगे बनेगा नहीं बनेगा, समझ के बाद, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो फाइव सिक्स सेवन भी हो गया, अब एट में आते हैं। अब इसमें देखा जाए, इसमें सिर्फ पोजीशन का दिया हुआ है, एनओ टू यहाँ पर है, एनओ टू यहाँ पर है, एनओ टू यहाँ पर है, एक, ठीक। तो अब पोजीशन का क्या है कि सिडोल एच, सिडोल एच, सिडोल एच, तो यहाँ पर एनओ टू यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो पास में कौन लगा हुआ है, एनओ टू यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ लगा हुआ है, तो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी कहाँ आएगा, क्योंकि एनओ टू पास में लगा हुआ है, तो जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तेज प्लस यहाँ से जल्दी निकलेगा, उसके बाद फिर यहाँ निकलेगा, उसके बाद फिर यहाँ निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, फिर उसके बाद यही है पास में, उसके बाद फिर और पास है, मतलब दस का जो होगा एसिडिक ज़्यादा होगा, फिर नौ, फिर कौन, एट, ठीक है, क्लियर है, एसिडिक, समझ में आया, मतलब एच प्लस इजली देगा, उसके बाद फिर एच प्लस ए इजली देगा, उसके बाद फिर एच प्लस ए इजली देगा, ठीक, क्लियर। आगे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का, फिर से अगेन स्टेबिलिटी पर। अब इसमें 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 कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग देखते हैं फिर से फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो नेगेटिव चार्ज तो है ही है, तो इसको चार्ज वो क्या करेगा, कम करेगा एक फ्लोरीन मिलके। यहाँ पर दो फ्लोरीन मिलके इसको नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, यहाँ पर तीन गो फ्लोरीन मिलके नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है, ठीक है। तो तीन तीन को मिलके इसको जो बोझ है इसका कम कर रहा है, तो इसको रिलैक्स मिलेगा। तीन तीन को मिलके इसको हेल्प कर रहा है, इसको दुए को मिलके हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसको आपका एक को मिलके हेल्प कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका अच्छा होगा, 13 का, फिर उसके बाद हो जाएगा 12 का, उसके बाद फिर हो जाएगा 11 का, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका हो जाएगा, 13, उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 11, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ठीक। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, 13, फिर 12, फिर 11, क्लियर। अगर मान लिया जाए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, तो पॉजिटिव हो जाता तो क्या करते, अब फ्लोरीन क्या करता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन घिसता, एक तो बेचारा पहले ही गरीब है, ऊपर से और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घिसता, फिर यहाँ पर पॉजिटिव है तो फिर दो को फ्लोरीन मिलकर और घिसता, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो तीन को मिलकर और घिसता, तो और इसको पॉजिटिविटी करता, इसको और करता, फिर और करता, सबसे ज़्यादा फिर गरीब गुरबा कौन हो जाता, सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा फिर 13 हो जाता, समझ में आया, तो ज़्यादा स्टोरेज कौन होता है, 11, अभी फिर उल्टा हो जाता, समझ में आया बात, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अब फास्ट रिएक्शन कौन करेगा इसमें इसमें, ठीक है, फास्ट रिएक्शन, तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, सोडियम ये दोनों में, एक ए है, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन देखा जाए, देखिए 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन भी आता है आईआईटी सब में कि कौन ज़्यादा सबसे पहले रिएक्शन करेगा, आरडीएस होता है मतलब स्टेप, स्लो स्टेप रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन तेजी से कौन करेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा जल्दी करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर सोडियम है, दोनों फर्क क्या है, यहाँ भी हुए छे, यहाँ भी हुए छे, फर्क है बस NO2 का। तो NO2 क्या करता है, NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, जब इलेक्ट्रॉनवा खींचेगा आगे की ओर तो ऑक्सीजनवा क्या करेगा, हाइड्रोजनवा समाएगा, तो इलेक्ट्रॉनवा ये आगे की ओर पास करेगा तो हाइड्रोजनवा क्या करेगा, इसको दे देगा आराम से, क्योंकि एक देखो पीछे से उसकाने वाला है, NO2 भाई दे हो दे, ठीक है, NO2 मांग रहा है कि दो, ठीक है। तो H+ क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, माइनस, और H के पास क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। अरे यहाँ तो भाई ना घिसने वाला ना देने वाला कुछ नहीं है, तो ये तो एक तो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घींच रहा है जल्दी से, इसको ना कोई घिसने वाला है, आराम से बैठ है अपना, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा वो क्या कर रहा है, पावर लगाने वाला है, इलेक्ट्रॉन घिसने वाला है, तो जल्दी ना इस प्लस देगा, तो जल्दी इस पर चार्ज आएगा, जल्दी चार्ज आएगा तो सोडियम में क्या करेगा, जल्दी से इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज आएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, समझ गया। तो फास्ट रिएक्शन कौन हो जाएगा, अगर 14 है यहाँ पर 15 लिख दिया जाए तो 15 इज द फास्ट रिएक्शन करेगा इन कंपेरिजन टू 14, क्लियर है। आई होप कि इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चलेंगे किसमें, मेजोमेरिक रेजोनेंस, फिर आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब भी टॉपिक धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर।